दोस्तों एक चैप्टर जो है थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D, 2D के बाद में 3D आता है। सो मैंने सोचा कि आज इस पर कुछ क्वेश्चंस और फॉर्मूले बना दें, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी क्या होता है कि इससे एक आध क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यदि दूसरे अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हटा दिए जाते हैं। टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, टू डायमेंशन में एक्स और वाई दो तल होते हैं और थ्री डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीन तल होते हैं। यानी कुछ फॉर्मूले जो 2D की है वो सेम जो है कन्वर्ट हो जाते हैं 3D में, सिर्फ वहाँ पर जो है 3D में Z का पोर्शन बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है X1, 3 डायमेंशन में तीन तल होते हैं X एक्सेस, Y एक्सेस और Z एक्सेस। एक पॉइंट है X1, Y1, Z1, दूसरा पॉइंट है X2, Y2, Z2। आप देख सकते हैं हम लोग 2 डायमेंशन में केवल एक्स वाई लेते थे, यहाँ 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों लेंगे। पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट बी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी इज इक्वल टू, सेम फार्मूला जो 2D में था यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Y1 और Y2 बढ़ जाएगा, रूट के अंदर X1 - X2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस Y1 - Y2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस Z1 - Z2 का होल ऑफ स्क्वायर, सेम फार्मूला बन जाएगा। मान लीजिए कोई हमारे पास में एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एच है और ये जेड एच है, ये एक पॉइंट मूल बिंदु हो गया। एक पॉइंट है X, Y, Z, ये पॉइंट मान लेते हैं A, इसकी मूल बिंदु से दूरी D फाइंड करना है, तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी फाइंड करना है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी फाइंड करना है, OA इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर X² + Y² + Z². सो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला हमारे पास में सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है, कौन सा, Z1 - Z2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी के बीच में बढ़ जाता है केवल Z², बाकी सब वही 2 डायमेंशन में जो हम लोग ने याद किया था सेम एज इट इज, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन से। सो आइए मेन क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जिनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, दो वर्ड है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन दिक्कोज्या होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एनी लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा फ्रॉम एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, देन कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन। कोई एक रेखा एक्स अक्ष से अल्फा, वाई अक्ष से बीटा एंड जेड अक्ष से गामा कोण बनाए, एक्स अच्छे से अल्फा कोण बनाए एंड वाई अच्छे से बीटा कोण बनाए, जेड अच्छे से क्या है गामा कोण बनाए, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा उस रेखा की दिक्कोज्या कहलाती हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब समझ आ गया होगा, कोई एक लाइन है हमारे पास में, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया और ये हो गया जेड एक्सेस। एक लाइन मान लीजिए, सपोज करते हैं एक लाइन है ये एक्स अच्छे से कोई ना कोई एंगल तो बनाएगी, वाई अच्छे से भी एंगल बनाएगी, जेड एक्सेस बनाएगी, तो एक्स अच्छे से जो भी एंगल है उसका कॉस निकाल लीजिए,
वाई एक्सिस से जो एंगल है उसका कॉस निकाल लीजिए, जेड एक्सिस से जो एंगल है उसका कॉस निकाल लीजिए, ये उस लाइन की कहलाती है डायरेक्शन कोसाइन। कॉस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि आप बताइए इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे जो पॉइंट है और आधार बटे कर्ण है। इसका फिगर अभी नहीं दिखा पा रहे आपको क्योंकि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलना है, इसकी डिटेल में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। सो आपको ये जानना है कि एक रेखा एक्स अक्ष से जो एंगल बना रही है, वाई अक्ष से जो एंगल बना रही है, जेड एक्सिस से जो एंगल बना रही है, उनके कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आप ले लीजिए, वही उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। यहाँ पर कॉस अल्फा को एल माना, कॉस अल्फा को एल माना गया है, कॉस बीटा को एम माना गया है और कॉस गामा को एन माना गया, यानी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो कॉस में, इसलिए एल एम एन को भी डायरेक्शन कोसाइन दिक्कुजिया बोल देते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट एक रिलेशन निकल आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई सेंटेंस सिंपल हो लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट ही बोला जाएगा। एग्जाम में 3D से संबंधित कई बार पूछा गया है, कॉस स्क्वायर अल्फा को चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस बीटा को चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इसको चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना 1, एक 1 से 1 कैंसिल कर दो, ये साइन वाले पोर्शन सब उठा के आप दूसरी तरफ ले जाइए, उस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू आएगी 1 और लगे 2 आएगी। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2। मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने बताया था कि लास्ट ईयर शायद ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब में पूछा जा चुका है, ये शायद मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है ये इस बार का NDA में भी ये क्वेश्चन है। आप कॉस की जगह एल लग सकते हैं, सो यहाँ से इंपॉर्टेंट कंडीशंस निकल के आ सकती है क्वेश्चन में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग जो है कंडीशन निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज करेंगे। आइए डायरेक्शन कोसाइन के बाद में हम लोग डायरेक्शन रेशियो के बारे में सीखते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। सबसे पहले आप इसको नोट करिए, डायरेक्शन रेशियो के बारे में सीखते हैं क्या है। डायरेक्शन रेशियो के बारे में सीखते हैं, एक पॉइंट ये ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1, दूसरा पॉइंट ये बी है इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2, एक कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1, एक है x2, y2 और z2। डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियो इन्हें बोलते हैं दिक अनुपात, क्या बोलते हैं इनको, दिक अनुपात, इनको वैसे शॉर्टकट में DRS बोल देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का जो शॉर्टकट होता है वो होता है DCS, डायरेक्शन कोसाइन का जो होता है शॉर्टकट होता है DCS, और डायरेक्शन रेशियो का जो शॉर्टकट होता है वो होता है DRS होता है। तो दो पॉइंट से यदि कोई लाइन जा रही है तो उसमें x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, यदि आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, सॉरी डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में यदि डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए तो दो पॉइंट्स होने चाहिए, x2 में x1 को आप माइनस कर दीजिए, y2 में y1 को माइनस कर दीजिए, z2 में z1 को माइनस कर दीजिए, ABC जो आएगा वो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या बन सकता है क्वेश्चन, यदि डायरेक्शन, यदि DRS दिए जाए, DRS मतलब दिक अनुपात ABC, तो L की वैल्यू फाइंड करना है तो A अपान अंडर रूट के अंदर a² + b² + c² M की वैल्यू फाइंड करना है तो B अपान अंडर रूट के अंदर a² + b² + c² N की वैल्यू फाइंड करना है सो सी अपान अंडर रूट के अंदर a² + b² + c² यहाँ से एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास ये निकल कर रहा है, किसी क्वेश्चन में यदि डायरेक्शन
रेशियो दिए जा रहे हैं या दो पॉइंट दिए जा रहे हैं, वो आपसे बोल दिया गया है भैया इसमें डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, दिक कोजिया निकालिए। सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशियो यदि ए बी सी है तो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन दिक कोजिया निकाल सकते हैं बाय दिस फार्मूला। नोट करिए, इसके आगे हम लोग जो है आपको जो है इनके बीच का एंगल डिस्कस करते हैं। अब दो लाइनों के बीच में एंगल फाइंड करना है जब क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन दिए जाए। दो लाइनें, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, और इनके बीच का हमें एंगल निकालना है। इसके डायरेक्शन कोसाइन L1, M1 और N1 है। इसके डायरेक्शन कोसाइन L2, M2 और N2 है। हमें क्या फाइंड करना है? दो रेखाओं के बीच का कोण जब जब DCS दिए जाए, DCS दिए जाए। DCS का मतलब तो आप समझ गए होंगे ही, दिक कोजियाएं दी जाएं तो उनके बीच का कोण, इनके बीच का जो एंगल होता है वो कॉस थीटा होता है। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और मॉड। मॉड का मतलब एंगल हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव लेना है। इसमें दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये है कि यदि दोनों लाइनें एक दूसरे पे 90 डिग्री कट कर रही हैं, दो 90 डिग्री कट कर रही है तो यहाँ कॉस 90 क्या होता है? जीरो होता है। कॉस 90 जीरो हो जाएगा, सो यहाँ से कंडीशन निकल कर आएगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर सेकंड में कंडीशन ये है कि यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे पे पैरेलल है, समांतर है, दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, समांतर रेखाएं, रेखाएं कैसी हैं? समांतर। यहाँ से रेखाएं कैसी हैं? लंबवत है, परपेंडिकुलर है। रेखाएं यदि समांतर हैं तो कंडीशन हो जाएगी L1 इज इक्वल टू L2, M1 इज इक्वल टू M2 और N1 इज इक्वल टू N2। यदि हमारे पास किसी क्वेश्चन में दो रेखाएं दी जाए और उनके बीच में डायरेक्शन कोसाइन दी जाए, पहली रेखा के डायरेक्शन कोसाइन, दूसरी रेखा के डायरेक्शन कोसाइन, शायद ध्यान करिए दो रेखाओं की प्रवणता दी जाती थी तो tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान में 1 प्लस M1 M2 लगा कर ही फार्मूला हम लोग जो है कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर सेम एज इट इज वही भी है। यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन दिए जा रहे हैं, DCS दिए जा रहे हैं, देन एंगल का फार्मूला क्या आएगा? मॉड का मतलब पॉजिटिव एंगल ही लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। यदि इसी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो दिए जाए, आइए उसके लिए देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन न दिए जाए क्वेश्चन में, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो दिए जाए, डायरेक्शन रेशियो दिए जाए तो फिर क्वेश्चन में हम लोग जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे इनके बीच का एंगल्स। सेकेंड इसी का पार्ट है क्वेश्चन में, जब डायरेक्शन रेशियो दिए, डी आर एस दिए जाए, डी आर एस दिए जाए, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। ये ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू और सी टू, ए वन बी वन और सी वन, और ए टू बी टू और सी टू, इनके बीच में एंगल थीटा है। ए वन बी वन सी वन क्या है? डी आर एस दे रखे हैं ये। अब हमारे पास में क्वेश्चन में इनके बीच के एंगल का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू और अपान में अंडर रूट के अंदर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। इसी में दूसरा फार्मूला ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ये इनके बीच का एंगल। मॉड का मतलब पॉजिटिव एंगल ही लेते हैं इसमें। यहाँ पर दो फार्मूले बन जाते हैं क्वेश्चन में। पहला फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा, यदि रेखाएं परस्पर 90 डिग्री कोण बना रही है, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है। कॉस 90 क्या होगा? कॉस 90 होगा जीरो, कॉस जीरो जीरो हो जाएगा, ये सारा पोर्शन जीरो हो जाएगा। सो यहाँ से कंडीशन निकल कर आएगी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू कितना आएगा? जीरो। लेकिन यहाँ पर यदि आपसे क्वेश्चन में कह दिया है रेखाएँ समांतर हैं, पैरेलल्स हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना? जीरो डिग्री। जीरो डिग्री कंडीशन है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा इसमें से? ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू। रेखाएँ यदि समांतर हैं
तो इनके बीच का एंगल क्या आएगा, सॉरी समांतर कंडीशन क्या होगी, ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू, ये समांतर पर कंडीशन है और एक कंडीशन किस में 90 डिग्री पे। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना हो और उस क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो निधिक अनुपात दिया है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष बना दिया और ये हो गया मूल बिंदु। एक्स अक्ष की डीसीएस डायरेक्शन को साइन 100 होते हैं, वाई अक्ष की डायरेक्शन को साइन डीसीएस 010 होते हैं और जेड एक्स की डीसीएस 00 और 1 होते हैं। इन्हें याद कर लीजिए बच्चों, एक्स एच की डायरेक्शन को साइन, वाई एच की डायरेक्शन को साइन और जेड एक्स की डायरेक्शन को साइन, यानी दिग कोजिया। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से बिंदु दे रखा है 2, 3, 4 व बी दे रखा है -3, 5 और 4 को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स वाई तल को किस अनुपात में विभाजित करता है। टू डायमेंशन ज्योमेट्री में मैंने एक इम्पोर्टेंट वीडियो डाला था, उसमें एक्स एच को किस अनुपात में बांटेगा, वाई एच को किस अनुपात बांटेगा, उसका मैंने बहुत ही शॉर्टकट जो है वीडियो डाला है, आप देखिए वो मुश्किल से 3 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होता है। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 2, 3, 4। दूसरा पॉइंट दे रखा है यहाँ पर बी दे रखा है -3 एंड 5 एंड 4। किस एच को बांट रहा है, एक्स वाई को। क्या लिखा है, एक्स लिखा है और क्या लिखा है, वाई लिखा है। ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, आप इधर उधर दिमाग लगाएंगे। एक्स लिखा है और वाई लिखा है, एक्स को काट दीजिए वाई काट दीजिए, एक्स को काट दीजिए वाई काट दीजिए। यदि यहाँ वाई जेड होता तो वाई जेड वाला काट देते, यहाँ जेड एक्स वाला आया तो जेड एक्स काट दीजिए। तो यहाँ पर किस एक्स वाला है, एक्स और वाई वाला है, तो एक्स वाई काट दिए, बचा क्या यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर क्या लिखा, 4 आ गया। अब रेशियो बना दीजिए इनका, आप तुरंत रेशियो बना दीजिए 1:1, 4 और 4 का रेशियो बना दीजिए 1:1। यहाँ चिन्ह कैसा है, पॉजिटिव चिन्ह कैसा है, पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, यदि दोनों प्लस होंगे और दोनों माइनस होंगे तो डिवीजन कहाँ होगा, बाह्यता होगा, एक्सटर्नल होगा। और एक प्लस एक माइनस होगा, एक माइनस एक प्लस होगा, डिवीजन कैसा होगा, अंतः होगा, कैसा होगा, अंतः होगा, और ये कैसे होंगे, इंटरनल। सो यहाँ देख सकते हैं 1 प्लस प्लस हैं दोनों, सो ये डिवीजन कैसा होगा, अंतः विभाजन। यानी कि यहाँ माइनस प्लस होगा, छोड़ देंगे रेशियो बनाते समय। क्या कह रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन में लिखा है -2, 3, सो रेशियो क्या बनाएंगे, 2, 3, ये माइनस छोड़ देंगे, बस यहाँ चिन्ह काउंट करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो विभाजन कैसा होगा, अंतः होगा। ठीक है ना, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तीन क्वेश्चन ऐसे, सबसे पहले तीनों क्वेश्चन आप बच्चों नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक रेखा जो अक्षों से 135, 120 और 30 अंश के कोण बनाते हैं तो उसकी दिक् भुजा क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i, वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k की दिक् भुजा निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन है, रेखाओं के मध्य कोण क्या होगा जिनके दिक् अनुपात क्वेश्चन दे रखे हैं 3, 4, 5 एंड 4 माइनस 3 एंड 5। चलिए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन इन्होंने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में एक रेखा जो अक्षों से कोण 135 डिग्री 120 डिग्री 30 डिग्री के कोण बनाना है तो उसकी दिक् भुजा क्या होगी। ये एक्स अक्ष से कोण ये होगा, वाई अक्ष से कोण ये होगा, जेड अक्ष से कोण ये होगा, हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं कि एक्स पे ही होगा, तो हम लोग हमेशा क्रम लेकर ही चलते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स अक्ष पे यदि अल्फा कोण बन रहा है, वाई अक्ष पे बीटा कोण बन रहा है, जेड अक्ष पे गामा कोण रहा है, तो उनकी दिक् भुजाएं क्या होती हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होती है। तो कॉस अल्फा कॉस 135 लिख दीजिए, कॉस बीटा लिख दीजिए 120 लिख दीजिए, कॉस गामा लिख दीजिए 30। कॉस 135 की वैल्यू सेकंड में है तो नेगेटिव तो होगा ही, सेकंड में है तो नेगेटिव होगा, 135 सेकंड में होता है नेगेटिव होता है। 135 घटाइए तो आएगा 45, कॉस 45 की वैल्यू -1/√2, ये भी सेकंड में है, सेकंड में नेगेटिव होगा। 180 में 120 घटाइए 60, सो वैल्यू इसकी आई 1/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी आएगी √3/2। सो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा -1/√2 -1/2 और √3/2, दिक् भुजा इसकी निकल आई।
कोई रेखा एक्स अच्छे से अल्फा, वाई अच्छे से बीटा, लाइन खींच दीजिए आप, एक एक्स अच्छे से एंगल देखिए, वाई अच्छे से देखिए, जेड एक्स देखिए, जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका कॉस निकालिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, वही उस रेखा की दिक्कोजिया ही कहलाती क्वेश्चन में। यहाँ पर वेक्टर आर की वैल्यू सेकेंड क्वेश्चन में, वेक्टर आर इक्वल टू क्या रखा है, 2i + 2j - 3k, और इसकी निकालनी है दिक्कोजिया। वेक्टर आर इज इक्वल टू दे रखा है 2i + 2j और -3k। आप कंपेयर कर लीजिए ai + bj + ck, और a की वैल्यू दिख रही है क्वेश्चन में 2 दिख रही है, b की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है 2 दिख रही है, एंड c की वैल्यू क्वेश्चन दिख रही है -3। दिक्कोजिया निकालना है तो cos अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a/√ के अंदर ए स्क्वायर, अभी शायद बताया था आपको मैंने, a² + b² + c² सो ये फॉर्मूला रखो, a कितना आएगा 2/√ के अंदर, इसकी वैल्यू पहले आप निकाल ही लो, ये सभी में आएगा, cos बीटा की जो वैल्यू आएगी √ के अंदर b/√ के अंदर a² + b² + c² एंड कॉस गामा की वैल्यू आएगी c/√ के अंदर a² + b² + c². सो सबसे पहले यहाँ से तीनों से कैलकुलेट कर लीजिए आप, जो है √ के अंदर a² + b² + c² की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4 + 3 का 9, 9 × 4 = 13, 4 = 17, √ के अंदर कितना आएगा 17। यहाँ से हमने a² + b² + c² की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सो √ के अंदर कितनी आ गई 17। सो कॉस अल्फा की वैल्यू a/a कितना है 2/√ के अंदर 17 है, कॉस बी की वैल्यू आएगी बी कितना है 2/√ के अंदर 17 है, एंड सी की वैल्यू है -3/√ के अंदर 17। ठीक, ये 17 लिखा है। अब कॉस अल्फा कितना लिखा है 2/√ के अंदर 17 लिखा है, कॉस बीटा 2/√ के अंदर 17 लिखा है, कॉस गामा -3/√ के अंदर 17 लिखा है। ये इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक्कोजिया आ गई। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों के सामने दे रखा है, रेखाओं के मध्य कोण क्या होगा जिनके दिक अनुपात दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, दो रेखाओं के बीच पर डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। तो इसके बारे में अभी भी थोड़ा हमने पहले डिस्कस किया था, शायद आप जो है उस फॉर्मूले को नोट कर लिया होगा आपने, देखिएगा। अभी भी हमने डिस्कस किया था, एक बार हमारे साथ में सभी बच्चे फिर से रिवाइज कर लीजिए। एंगल फाइंड करना है जब इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 और c1, डायरेक्शन रेशियो बात कर रहे हैं हम, डायरेक्शन कोसाइन नहीं बात कर रहे हैं, इनके बीच में कॉस थीटा का जो फॉर्मूला आएगा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 और अपॉन में √ के अंदर a1² + b1² + c1² √ के अंदर a2² + b2² + c2² सो कॉस थीटा की वैल्यू आप इसे मान लेते हैं a1 b1 c1 और इसे मान लेते हैं a2 b2 और c2। सो लगा दिए फॉर्मूला, यहाँ पर क्या लगेगा फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 आप नीचे से वैल्यू देखते जाइए बच्चों, b1 b2 4 - 3 + c1 c2 5 & 5 और अपान में √ के अंदर क्या आएगा a² 3 * 9 4 * 16 = 25, फिर क्या आएगा 4 * 16 3 * 9 और 5 = 25। दोनों वैल्यू सेम है, सो यहाँ पर देखो ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 4 * 3 = 12 - 4 * 3 = 12 + कितना आएगा 25 आएगा, नीचे आएगा √ के अंदर 50 आएगा, √ के अंदर 50 आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे हट जाएगा 50 आएगा, कट के कितना है 1/2 आएगा, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये 1/2 वैल्यू है, ये कितने डिग्री की होती है वैल्यू, 60 डिग्री, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग कॉस 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 60 डिग्री। थ्री डायमेंशन में होता बहुत कुछ है, लेकिन जो है ज़्यादातर जो नेवी के पेपर में वो डायरेक्शन को साइन एंगल्स इन्हीं के बारे में ही ज़्यादातर पूछते हैं क्वेश्चंस। कल हम आपके लिए एरिया बाउंडेड का क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उसका एक क्वेश्चन शायद आता है एग्जाम्स में, और डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों ही चैप्टर कल के टर्म में हम आपके लिए डाल देंगे।